श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बर नौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि तरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको जागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र अनुध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान पुनीयति चातुर राम काज करि देखो आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय वरति सम भाए सहस बदन तुम रोज सिखावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सन काविक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनहु लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोलिए सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय हेलो। जल्दी से सब बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है यहाँ पे। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन आज हमारा एक बहुत मेजर पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट से आ जाओ। आई विल वेट फॉर 1 to 2 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट।
दो से तीन मिनट वेट करते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट द क्लास। जल्दी से जल्दी लिंक शेयर कर दो सो दैट सारे के सारे बच्चे आ जाएं। ये चैप्टर किसी भी बच्चे का नहीं छूटना चाहिए। आ जाओ फटाफट से। हेलो बच्चे, हेलो, हाउ आर यू ऑल? नलायकों मेरी आवाज नहीं आ रही और तुम बोल नहीं सकते हो? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है, ऐसा ना, आइए चलो। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डन? मेरी बात सुनो, दो पार्ट्स में डिवाइड है ये चैप्टर। एक तो 230 से लेकर 240 जो मैं आपको आज कराऊंगी, और 241 से लेकर 247 जो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो मतलब कल मेरा ये होगा सुपर 30 सेक्शंस का, कल लास्ट होगा, और जो केएमपी वाला बचा हुआ है वो हो जाएगा। यस और नो? डन? हाँ दिख तो रही हूं मैं, ये बाद में कंप्लीट कर लेना, मेरा ये पेंडिंग है तेरा ये पेंडिंग है। ओ मेरे नलायक बच्चों, चलो आओ, इतने तो ध्यान मत दो यार, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेके बैठो, चलो आइए। राइट, जो हमारा चैप्टर है ना, दैट इज कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। एक बार दोबारा, चैप्टर का मतलब क्या है राजी? कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, जब एक कंपनी रीऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, रीऑर्गेनाइज रिलेटेड टू फाइनेंस,
रीऑर्गेनाइज किससे रिलेटेड टू फाइनेंस, अमलगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, अपने क्रेडिटर के साथ एक स्कीम में आना, डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आती है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में। मतलब जब एक कंपनी का फाइनेंस बेस चेंज होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। ओहो, यहां तक डन है। अब आपको यहां पे ना तीन चीजें दिख रही होंगी, पहला कॉम्प्रोमाइज, दूसरा अरेंजमेंट और तीसरा अमलगमेशन। पहला कॉम्प्रोमाइज, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अमलगमेशन। कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, हमें सेक्शन कवर करने हैं 230 से लेकर 240। कितने सेक्शन कवर करने हैं? 10। कितने कवर करने हैं? 10। 230 से लेकर 240 तक कवर करने आएगा इस डन। हां जी सिद्धांत, बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है यार लड़ाई हुई है, चल मैं पहले सॉरी बोल देता हूं, मैं पहले सॉरी बोल देता हूं, इट इज कॉम्प्रोमाइज, यस और नो? कॉम्प्रोमाइज मतलब एक सिचुएशन है डिस्प्यूट की जो आप सेटल कर रहे हो। लाइक मेरे को आपको 1,000 रुपए देने थे बट मेरे पास 1,000 नहीं है, तो आप कह रहे हो यार शिवानी 600 ही दे। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉम्प्रोमाइज, यस और नो? कि जितना आप हकदार थे आपको उससे कम मिल रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो मैम अरेंजमेंट का मतलब क्या? अरेंजमेंट का मतलब किसी भी तरीके से आप अरेंज कर रहे हो, आप मर्जर कर रहे हो, अमलगमेशन कर रहे हो, ये क्या है? ये अरेंजमेंट ही है। तो मैम फिर अमलगमेशन अलग क्यों दे रखा है? अमलगमेशन इसलिए अलग दे रखा है मेरे बच्चे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है अरेंजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है अरेंजमेंट का। अमलगमेशन का मतलब ही अरेंजमेंट ही है, अमलगमेशन भी क्या है? एक टाइप का अरेंजमेंट। सो बेसिकली हमें क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब एक कंपनी है वो अपने मेंबर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो अपने क्रेडिटर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, यस और नो? वो अपने मेंबर के साथ भी अरेंजमेंट कर सकती है, वो अपने क्रेडिटर के साथ भी अरेंजमेंट कर सकती है, दैट इज स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। वो कह रहा है कोई भी स्कीम है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की कोई भी स्कीम है, वो फाइनल कब होगी रजे? वो फाइनल तब होगी जब आपकी एनसीएलटी ने, जब आपकी ट्राइब्यूनल ने उसे क्या कर दिया है? अप्रूव। जब आपकी ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया उसे? अप्रूव। आई गेस दिस मेक्स सेंस टू यू, दिस मेक्स सेंस टू यू? अब आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वो कह रहा कंपनी है, ठीक है, क्या है बच्चे? कंपनी, कंपनी अपने मेंबर्स के साथ भी और अपने क्रेडिटर्स के साथ भी क्या कर सकती है? स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बना सकती है। क्या बना सकती है? स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब सवाल ये मैम, आप ये कह रहे हो कि जब जब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट बनेगा तब तक ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब हमें ट्राइब्यूनल को अप्लाई भी करना पड़ेगा, यस और नो? तो ट्राइब्यूनल को अप्लाई कौन कर सकता है? ध्यान से देखो, ट्राइब्यूनल को अप्लाई कौन कर सकता है? The tribunal may, on application of, the tribunal may, on application of, किसकी application पे? Company की, उसके creditors की, members की, और अगर company liquidation में है तो liquidator की, in case लिक्विडेशन में कंपनी तो उसके लिक्विडेटर की। मैं सब करवा दूंगी आपको, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। एक बार सेक्शन 230 कर लिया, ऑलमोस्ट सारी टेक्निकलिटीज ओवर। मैं मतलब आप कह रहे हो कि जब एक कंपनी स्कीम ऑफ मर्जर, सॉरी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट बनाएगी तब तक एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी है, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी है। बिल्कुल, ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर कौन सकता है? कंपनी का क्रेडिटर भी कर सकता है, कंपनी का मेंबर भी कर सकता है, कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप में तो कंपनी का लिक्विडेटर भी ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। अब मैम आप एक बात बताओ, जब आप ये कह रहे हो कि ये चारों लोग ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं तो ट्राइब्यूनल को ये कुछ प्रॉपर फॉर्मल सर्व भी तो करेंगे ना, ट्राइब्यूनल को ये इन्फॉर्मेशन भी तो देंगे, यस और नो? इन्फॉर्मेशन कैसी? कि हम कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, ये चीजें हैं। कंपनी की अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बाद रिड्यूस होती है कैपिटल, रिडक्शन की ये डिटेल्स है। क्या ये सारी की सारी डिटेल्स मैं ट्राइब्यूनल को दूंगी, यस और नो? क्या मैं सारी की सारी डिटेल्स ट्राइब्यूनल को दूंगी? बिल्कुल, प्लस में डिटेल्स जाएंगी। अच्छा, डिटेल्स जाएंगी, डिटेल्स कौन सी जाएंगी? आइए, डिटेल्स कौन सी जाएंगी राजे? लिखो, सबसे पहला मटेरियल फैक्ट, सबसे पहला मटेरियल फैक्ट्स। दूसरा, अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है तो, अगर क्या हो रही है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है तो, उसके बाद
अगर कोई मेरे बच्चे कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है वो स्कीम कर रहे हैं, तो 75 या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल आई या नहीं आई, या अदर डिस्क्लोजर्स, या क्या जाएगा बच्चे, अदर डिस्क्लोजर्स। आप ध्यान से देखो, चाहे नोट करते जाना, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आपका या तो क्रेडिटर, या तो मेंबर, या तो कंपनी, या तो लिक्विडेटर जब ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए, तो वो चार चीजें देगा। पहला, सारे मटेरियल फैक्ट। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में कंपनी की केयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो, उसके बाद अगर कंपनी कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, अगर कंपनी क्रेडिटर के साथ डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में आ रही है, तो कहता है उस टाइम पे कम से कम 75 या उससे परसेंट ज्यादा क्रेडिटर्स की अप्रूवल आ गई हो, उसकी डिटेल्स जाएंगी, और उसके बाद अगर अदर डिस्क्लोजर हुआ वो जाएगा। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये सब चीजें किसके पास चली गई, एनसीएलटी के पास। ये सब चीजें किसके पास जाएंगी, ऐसे देखो, ये सब चीजें किसके पास जाएंगी रजे, ट्राइब्यूनल के पास। किसके पास जाएंगी, ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी, मीटिंग ऑर्डर करेगी। ट्राइब्यूनल क्या करेगी, मीटिंग ऑर्डर करेगी। अच्छा मैम, मीटिंग किसकी, क्रेडिटर्स की या शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की या शेयर होल्डर्स की, डन। ट्राइब्यूनल क्या करेगी, मीटिंग ऑर्डर करेगी, या तो क्रेडिटर्स की या किसकी, मेंबर्स की, डन। अब मीटिंग कंडक्ट कर रही है, क्या मीटिंग कंडक्ट करने का ऑर्डर जाएगा, हाँ या ना, क्या मीटिंग कंडक्ट करने का ऑर्डर जाएगा। अब अगर कंपनी को मीटिंग कंडक्ट करनी है तो क्या कंपनी को नोटिस भी भेजना पड़ेगा, यस और नो? बिल्कुल, मीटिंग का नोटिस भी जाएगा, मीटिंग का नोटिस भी जाएगा। नोटिस किस किस को जाएगा, लिखो, नोटिस जाएगा टू ऑल मेंबर्स, टू ऑल क्रेडिटर्स, टू ऑल डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी की वेबसाइट पे, अगर कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी क्या है, लिस्टेड, तो सेबी पे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा, डन। मतलब वो कह रहा है नोटिस किस किस को जाएगा, हां जी, नोटिस किस किस को जाएगा, नोटिस मेंबर्स को जाएगा, नोटिस क्रेडिटर्स को जाएगा, नोटिस डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा, और कंपनी की वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश होगा, और साथ ही साथ अगर कंपनी लिस्टेड है तो नोटिस जाएगा सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को। यहां तक बता दो, कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हां जी, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे ये बता दो, क्या यहां तक किसी को कोई 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 भी दिक्कत, हां जी, डन, आई गेस डन। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा साथ ही साथ ना, साथ ही साथ आप ये नोटिस भेजोगे सीजी को, आरबीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनके पास कितने दिन है, 30 डेज। इनके पास कितने दिन है, 30 डेज टू गिव रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी तो रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में डिस्कस होगी, और अगर इन्होंने 30 दिन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी तो हम देखेंगे कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा बच्चे, फिर फाइनली मीटिंग कंडक्ट होगी। फिर क्या होगा, फाइनली मीटिंग कंडक्ट होगी। अब मीटिंग में वोटिंग कैसे हो सकती है, ध्यान से देखो, या तो मीटिंग में जो मेंबर्स हैं वो खुद वोटिंग कर सकते हैं, या प्रॉक्सी भेज सकते हैं, या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करनी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करनी है, डन। मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी, या तो खुद आके वोटिंग करो, या प्रॉक्सी, या पोस्टल बैलेट, या तो वोटिंग करो इलेक्ट्रॉनिकली। वोटिंग कैसे करो बच्चे, इलेक्ट्रॉनिकली। वोटिंग कैसे करो, इलेक्ट्रॉनिकली। मुझे बता दो क्या एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है, हां जी, क्या एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है, फटाफट से जल्दी जल्दी, क्या एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है, पक्का। फिर मीटिंग हुई, मीटिंग में कितनों की अप्रूवल चाहिए, सबसे पहले तो ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ पर्संस जिनके पास क्या होनी चाहिए, 3/4 ऑफ वैल्यू, क्या होनी चाहिए, 3/4 ऑफ वैल्यू। वोटिंग आ गई, वोटिंग के बाद हमने, मेरे पास क्या आ गया, एनसीएलटी का ऑर्डर। क्या आ जाएगा बच्चे, एनसीएलटी का ऑर्डर, और एनसीएलटी के ऑर्डर को मैं क्या फाइल कर दूंगी, फाइलिंग ऑफ ऑर्डर टू आरओसी, फाइलिंग ऑफ ऑर्डर टू
ROC, that is section 230. That is section 230. एक बार यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं एक बार आप लोगों को दोबारा समझाती हूँ. आई प्रॉमिस एक बार टिप्स पे हो जाएगा फटाफट से. जितना मैं देखो प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल पे पेपर है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन CR, वो पेपर इसी पे बेस्ड है. बट ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव में वो इतना नहीं है एंड बच्चे उसको बिल्कुल ही छोड़ के जाते हैं. तो बिल्कुल छोड़ के जाने से अच्छा उसको एक सही से लेवल पे प्रिपेयर करके चले जाओ. डन, आओ अब मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो. लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लॉ मेकर ये बोल रहा है देख तेरे को कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना है कंपनी या तो अपने मेंबर के साथ या तो क्रिएटर के साथ, तो ट्राइब्यूनल की अप्रूवल चाहिए. ट्राइब्यूनल को अप्लाई कौन करेगा, या तो क्रिएटर या तो मेंबर या तो तू या तो तेरा लिक्विडेटर. अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी, ट्राइब्यूनल मीटिंग ऑर्डर करेगी और साथ ही साथ ये नोटिस फॉरवर्ड कर देगी. साथ ही ट्राइब्यूनल क्या करेगी, मीटिंग ऑर्डर करेगी. अब जो मीटिंग का नोटिस है वो किस किस को जाएगा, सब मेंबर्स को जाएगा, क्रिएटर्स को जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा, तू लिस्टेड है तो सभी को जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा और जितनी भी तेरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जितनी भी क्या तेरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, CG, इनकम टैक्स अथॉरिटी, RBI, कोई रजिस्ट्रार है, सभी है, कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, लिक्विडेटर है, CCI है, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है सबको नोटिस जाएगा. उनके पास 30 दिन है, 30 दिन में कोई रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है मीटिंग में डिस्कस हो जाएगी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते मीटिंग हो जाएगी. मीटिंग में या तो तुम खुद वोट करो या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करो या इलेक्ट्रॉनिकली वोट करो. कितना वोट होना चाहिए, मेजोरिटी, ड्यूअल है देखो, ड्यूअल चीजें हैं, मेजोरिटी प्लस में 3/4 इन वैल्यू होनी चाहिए, मेजोरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू. अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया उसका ट्राइब्यूनल भी अप्रूवल दे देगी और वो अप्रूवल और वो अप्रूवल किसको चला जाएगा मेरे बच्चे, और वो किसको चला जाएगा, फिर वो चला जाएगा रजिस्ट्रार को. किसको चला जाएगा बच्चे, रजिस्ट्रार को. ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन हाउ मेनी डेज बच्चे, विद इन 30 डेज किसके पास चला जाएगा, रजिस्ट्रार के पास. क्या यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, क्या यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, फटाफट यहां तक सबको क्लियर है. अब लॉ मेकर ये बोलता है कि मान लो अगर किसी को स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से प्रॉब्लम है, अगर किसी को स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से प्रॉब्लम है, क्या वो ट्राइब्यूनल को बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है. पर इधर लिखो मेरे बच्चे, कहां चला गया ये, यहां तक डन हो गया ना, योगेश यहां तक आपने लिख लिया हो, आगे चलते हैं. आइए ऑब्जेक्शंस टू स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, दो चीजें, कितनी चीजें, दो. अगर तुम मेंबर हो तो तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, कम से कम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर तुम क्रेडिटर हो तो कम से कम कितना होना चाहिए, 5% ऑफ टोटल डेट, 5% ऑफ टोटल डेट. इन दिस केस आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो और NCLT के पास जा सकते हो. आई गेस डन, यहां तक डन. वो कह रहे देखो वैसे तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी अगर मेजॉरिटी प्लस 75 का आ गया, बट अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, यस और नो. कैसे अप्लाई करोगे, अगर तुम मेंबर हो तुम्हारे पास कम से कम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर तुम क्रेडिटर हो तो तुम्हारे पास कम से कम 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है. आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो, आई होप दिस इज क्लियर. क्या आगे चले, क्या आगे चले, अब अगला सेक्शन है 234. लॉ मेकर ये बोल रहा है कि यार NCLT ने इधर देखो बच्चे, प्लीज जो करा रही हो ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, जल्दी जल्दी. अब मेरी एक बात समझो, अब मानो आओ आपकी NCLT ने स्कीम अप्रूव करी, तो क्या NCLT स्कीम फोर्सी भी कर सकता है, क्या वो देख सकता है कि जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस यू आर कंप्लाइंग विद दैट, यस और नो. बिल्कुल, दैट इज सेक्शन 234, दैट इज सेक्शन 231. 231 किसके है बच्चे, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल किसका है, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. आइए
पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. डन. आइए लॉ मेकर क्या कहते हैं, एनसीएलटी ने अप्रूव करा है तो एनसीएलटी क्या टर्म्स एंड कंडीशन भी बता सकती है क्या, ये भी देख सकती है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने कंप्लाई करी थी, जो जिस मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन उसने लगाई थी, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे. अच्छा मैम अगर हम वो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं कर रहे तो एनसीएलटी जो ऑर्डर देगी फिर वो आपको मानना पड़ेगा. आओ लिखो क्या लिखा है, ट्राइब्यूनल में सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट. एंड गिव सच डायरेक्शन एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. दैट्स इट. For proper implementation, I guess done. यहां तक मेरे पास फटाफट से रिवाइज करो फटाफट से. देखो एफर्ट दोनों साइड से लगते हैं. अगर ये टॉपिक आपको करवाया जा रहा है मेक श्योर यू गाइज हैव टू पार्टिसिपेट और जो टॉपिक चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. सब इकट्ठा करने के चक्कर में ना हाथों से सब निकल जाएगा बच्चे, सब इकट्ठा करने के चक्कर में हाथों से सब निकल जाएगा. जो चल रहा है उस पे फोकस करो. इधर देखो लॉ मेकर कह रहा है 230 बात करता था कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की. कंपनी ने मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कंपनी में मेंबर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है. कंपनी ने किसके साथ, क्रिएटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है. ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए. ट्राइब्यूनल को अप्लाई कौन कर सकता है, क्रिएटर, मेंबर, लिक्विडेटर, कंपनी खुद. ट्राइब्यूनल को ट्राइब्यूनल मीटिंग का ऑर्डर दे देगी. मीटिंग का नोटिस किस किस को जाएगा, क्रिएटर को जाएगा, मेंबर को जाएगा, डिपेंचर होल्डर को जाएगा, सेबी को जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा और सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाएगा. सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास 30 दिन है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए. देती है तो ठीक है, नहीं देती तो भी ठीक है. देती है तो मीटिंग में डिस्कस हो जाएगा. मीटिंग होगी उसमें आप खुद वोट करो, आपकी प्रॉक्सी आए, पोस्टल बैलेट हो या फिर ई वोटिंग हो. बट कितने का अप्रूवल चाहिए, मेजोरिटी प्लस में आपके पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम 75. और अगर आपको ऑब्जेक्शन है क्या आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बिल्कुल. पर अगर आप मेंबर हो तो 10% पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, क्रेडिटर हो तो 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए. अप्रूवल आ गया फिर आपको एनसीएलटी ऑर्डर दे देगी. और जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया वो 30 दिन के अंदर कहां फाइल कर दोगे, आरओसी को. कहां फाइल कर दोगे, आरओसी को. 231 क्या बोलता है, जो आपको एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है एनसीएलटी ये देख सकती है कि आप कॉम्प्रोमाइज एंड जो आपका अरेंजमेंट था उसको सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे. और अगर उसको सही से नहीं कर सक रहे हो तो एनसीएलटी वो सब ऑर्डर दे सकती है जो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट सही से करने के लिए जरूरी है. बता दो 230 231 क्लियर है क्या, 230 231 क्लियर. आगे चले, आइए अगला है सेक्शन 232. अगला क्या है राजे, सेक्शन 232 के मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी. क्या है, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी. अब वो कह रहे हैं मैम मेरे को एक बात बताओ, आपने ऊपर बताया कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, नीचे बताया मर्जर एंड अमलगमेशन. अरेंजमेंट का एक तरीका है अमलगमेशन. क्या अरेंजमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल. क्या कॉम्प्रोमाइज के बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल. आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करो 230 लगेगा, हर केस में 230 लगेगा. मतलब मैम आप मर्जर और अमलगमेशन भी करो तो 230 लगेगा ही, बिल्कुल. बट अगर आप मर्जर एंड अमलगमेशन करो तो 230 के साथ साथ 232 भी लगेगा. सेम प्रोसीजर वैसा है, सेम प्रोसीजर दोबारा से, सेम प्रोसीजर वैसा है. बस एक चीज है कि जब मीटिंग का नोटिस जाएगा उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाएंगी और जब एनसीएलटी अप्रूवल देगा उस अप्रूवल्स में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा. दैट्स इट. मतलब मैम आप ये कह रहे हो जब मीटिंग जब नोटिस जाता था मीटिंग का तो उन चारों को जाता था उसमें बेसिक डिटेल्स होती थी, बिल्कुल. पर जब मर्जर एंड अमलगमेशन का जाएगा तो और ज्यादा डिटेल्स होंगी, बिल्कुल. जब मर्जर एंड अमलगमेशन का जाएगा तो और ज्यादा डिटेल्स होंगी, बिल्कुल. और जब मैम एनसीएलटी अप्रूव करेगी वो और ज्यादा चीजें देगी, बिल्कुल. दैट्स इट, दैट्स इट. मैम ऑब्जेक्शन के पॉइंट के बाद का एक्सप्लेन कर दीजिए. बच्चे ऑब्जेक्शन अगर नहीं दिया, मीटिंग होगी, मीटिंग में ड्यूअल अप्रूवल चाहिए, मतलब मेजॉरिटी नंबर में अप्रूवल होनी चाहिए और 75% ऑफ वैल्यू. अप्रूवल आ गई फिर एनसीएलटी अप्रूव कर देगा. जैसे ही एनसीएलटी अप्रूव कर देगा 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर किसको फाइल कर देंगे, आरओसी को. किसके फाइल ऑर्डर कर देंगे, आरओसी को. मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चे, ध्यान से, मीटिंग में सब पार्टिसिपेट करेंगे ना. आइए मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ध्यान से देखो. अगर ये वाला केस है तो क्या होगा, सेक्शन 230 तो लगेगा ही लगेगा. क्या लगेगा,
सेक्शन हम आप देखो हम नोटिस इतने सबको क्यों दे रहे हैं, नोटिस इतने सबको दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है मेंबर के साथ तो अप्रूवल किसका लगेगा, मेंबर्स का। क्रेडिटर के साथ करिए तो 75 किसका, क्रेडिटर्स का। आइए सेक्शन 230 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या होगा सम एडिशनल पॉइंट्स लग जाएंगे, साथ में क्या होगा बच्चे सम एडिशनल पॉइंट्स लग जाएंगे। एडिशनल पॉइंट्स कैसे, आपको दो चीजें और एक्स्ट्रा करनी है। जब आप नोटिस दोगे मीटिंग का, जब आप क्या दोगे नोटिस दोगे मीटिंग का, तो उसमें आप क्या क्या दोगे, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। प्रिया जस्ट वेट अ वाइल बच्चे प्लीज, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। राजे जो हो रहा है गेस जो चल रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट। आइए ड्राफ्ट स्कीम ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, उसके बाद रिपोर्ट ऑफ सच मर्जर एंड अमलगमेशन ऑन शेयर होल्डर्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड अदर डिस्क्लोजर्स राइट। और जब बच्चे एनसीएलटी ऑर्डर देगा वाइल एनसीएलटी वाई गिव एनसीएलटी वाइल गिविंग फाइनल ऑर्डर्स, मे मेक डिसीजंस ऑन रिक्वायर्ड मैटर्स। क्या ये तीन सेक्शंस क्लियर हैं, जल्दी जल्दी बता दो क्या ये तीन सेक्शंस क्लियर हैं आप लोगों को। हाँ जी 230, 231, 232 क्या ये क्लियर है यहां तक, फटाफट से क्या ये क्लियर है यहां तक। मतलब जो मर्जर एंड अमलगमेशन होगा नोटिस के साथ साथ आप ये सारी डिटेल्स दोगे, और एनसीएलटी एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑर्डर, एनसीएलटी एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑर्डर उस केस में कुछ और डायरेक्शंस दे देगा जो उसको लगता है कि मर्जर एंड अमलगमेशन के लिए जो क्या है नेसेसरी है। आई होप दिस मेक्स सेंस, बताओ। हो गया यहां तक, आ जाओ सेक्शन 233, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 233, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी, ऑफ सर्टेन कंपनी, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। अभी तो आपने ऊपर कराया मर्जर एंड अमलगमेशन। अब बच्चे मर्जर एंड अमलगमेशन, बच्चे प्लीज यार जो चीज चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे भी करने दो और खुद भी करो, फ्लो मत डिस्टर्ब करो प्लीज यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो आओ मर्जर, अगर आपको ये नहीं करना तो आप मत करो, अगर आपको ये 5 नंबर नहीं सिक्योर करने तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज आइए मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। मेरी बात ध्यान से सुनो। लॉ मेकर क्या बोल रहा है यार, अगर आपको मर्जर अमलगमेशन करना है तो इट्स अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट, तो आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी है। बट मान लो दो स्मॉल कंपनीज को आपस में मर्ज करना है, दो स्टार्टअप आपस में मर्ज हो रही है, एक स्मॉल एक स्टार्टअप मर्ज हो रही है राइट, एक कंपनी अपनी वैल्यू और सब्सिडियरी को अपने अंदर मर्ज कर रही है, ये तो छोटी छोटी चीजें है ना। लाइक दो स्मॉल कंपनी का मर्ज होना, दो स्टार्टअप का मर्ज होना, एक बड़ी कंपनी और एक उसकी वॉल्यू और सब्सिडियरी का मर्ज होना, इसमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है। आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई करोगे, फिर मीटिंग का नोटिस दोगे, फिर रिप्रेजेंटेशंस आएंगी, फिर मेजोरिटी का अप्रूवल लोगे साथ में 75 का, उसके बाद जाके एनसीएलटी का अप्रूवल आएगा, और उसके बाद जाके क्या होगा, उसके बाद भी आपको आरओसी को फाइल करना होगा। तो लॉ मेकर क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें दो स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही है, कंपनी और उसकी वॉल्यू और सब्सिडियरी मर्ज हो रही है, उस केस में एनसीएलटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप कौन सा सेक्शन फॉलो करो, उस केस में आपको 233 फॉलो करो, क्या करो उसमें आप सेक्शन 233 फॉलो करो। आई होप दिस इज क्लियर, येस और नो।
232, इधर आओ 232, 232 ये बात बोलता है कि अगर अरेंजमेंट जो रहा है वो मर्जर या अमलगमेशन हो रहा है ना, उस केस में जब आप नोटिस भेजते हो, नोटिस के साथ कुछ एडिशनल डिटेल्स जाएंगी, और जो एनसीएलटी अप्रूवल देता है उस अप्रूवल के साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर भी दे सकता है, दैट्स इट। चले आइए, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी। अभी तो देखो वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से, जब दो, आइए, टू और मोर स्मॉल कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, रजे होल्डिंग सब्सिडरी नहीं एंड वॉल्यू ऑन सब्सिडरी आपस में मर्ज हो रही है, या एनी सच कंपनी स्पेसिफाइड बाय सीजी, जब वो आपस में मर्ज हो रही हैं बच्चे, तो इस केस में वी डोंट हैव टू फॉलो 230 एंड 232, वी ओनली हैव टू फॉलो 233। आई गेस दिस इज क्लियर। अब लॉ मेकर क्या बोलता है, बड़ी आराम से लॉ मेकर ये बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर क्या हो रहा है बच्चे, अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से देखो, एक सेकेंड आइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे दो रास्ते हैं, नो डाउट रास्ते दो हैं, आप बड़े वाला फॉलो करना चाहो तो आप बड़े वाले में जाओ, बट आई गेस ये एग्जीक्यूटिव का लेवल है, आपको आपको ना इसका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, अगर जहां तक मुझे लगता है, यू नो, यू गाइस नो नथिंग अबाउट इट, तो मतलब और अभी लास्ट टाइम है, तो अगर मैं आपको सब बताने लगूंगी तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे, तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट जितना आपको बताया जा रहा है उतना ग्रैब करो, तो पेपर में अगर इतना भी लिख कराओगे तभी भी नंबर मिल जाएंगे, पेपर में इतना भी लिख कराओगे तभी भी नंबर मिल जाएंगे, डिस्पाइट कि आप दूसरों में गलतियां ढूंढो, खुद पे फोकस करो बच्चे, ध्यान से खुद पे फोकस करो और जो करवाया जा रहा है उसे करो। आइए आओ ध्यान से यहां तक ठीक है, अगर ये कंपनी चाहे किसमें आएगी, 233 में फॉल करेगी, अब मतलब मैम आप कह रहे हो इस कंपनी को एनसीएलटी को अप्लाई नहीं करना, नहीं करना, बट मैम के इसे भी रिप्रेजेंटेशंस अलाउ करनी है, कि इसे भी रिप्रेजेंटेशंस मंगवानी है जैसे ऊपर में मंगवाई थी, बिल्कुल मंगवानी है। ध्यान से देखो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, प्लीज इधर आइए ध्यान से देखिए, इनवाइट्स ऑब्जेक्शंस फ्रॉम आरओसी लिक्विडेटर्स एंड persons अफेक्टेड बाय सच स्कीम, पर्सन अफेक्टेड बाय सच स्कीम, मतलब मैम आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ऊपर जैसे हमने सारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को दिया था कि 30 दिन में हमें बता दो, मतलब वैसे ही कुछ इसी में है, बिल्कुल इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने आरओसी को, जिस पर्सन को मतलब इफेक्ट हो रहा है उसको, और तीसरा कौन सा, लिक्विडेटर को, हमने बोला कि यार अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो हमें बता दे, तू हमें रिप्रेजेंटेशन दे दे, तू हमें क्या कर दे, रिप्रेजेंटेशन, उससे हमने ऑब्जेक्शंस मंगाए, यस और नो, उससे हमने ऑब्जेक्शंस मंगाए, ऑब्जेक्शंस कितने दिन में आ जाने चाहिए, 30 डेज में, कितने दिन में आ जानी चाहिए, 30 डेज में, कितने दिन में आ जानी चाहिए, 30 डेज में, डन। उसके बाद मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, उसके बाद मैंने अप्रूवल ले ली, किसकी अप्रूवल ले ली, 90% ऑफ शेयर होल्डर्स की, किसकी अप्रूवल ले ली रजे, 90% ऑफ शेयर होल्डर्स की, मतलब इन वैल्यू 90% ऑफ शेयर की अप्रूवल ले ली, किसकी अप्रूवल ले ली, कम से कम मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ शेयर होल्डर, मतलब आप कह रहे हो मैम पहले रिप्रेजेंटेशन मंगाई 30 दिन में, उसके बाद 9/10 बाय मेंबर्स की, मतलब शेयर्स की अप्रूवल ले ली, 90% ऑफ शेयर की अप्रूवल ले ली, बिल्कुल। उसके बाद फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू आरओसी, फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू आरओसी, ठीक है मैम आपने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कर दी, उसके बाद क्रेडिटर्स की अप्रूवल ले ली, उसके बाद किसकी अप्रूवल ले ली, क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 इन वैल्यू, मतलब मैम आप ये देखो, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, आप ये कह रहे हो कि 233 का मतलब क्या है, 233 ये बोल रहा है कि अगर दो स्मॉल कंपनीज में, दो स्मॉल कंपनी ने आपस में मर्जर करना हो, एक कंपनी ने और एक वॉल्यूम सब्सिडरी ने आपस में मर्जर करना हो, या फिर एनी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपस में मर्जर करना हो या फिर अरेंजमेंट करना हो, उस केस में हमें 230 और 231 वाला प्रोसीजर, 232 वाला प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना, उस केस में ये भी करेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 4 स्टेप है, पहला
आपको आरओसी को ऑफिशियल लिक्विडेटर और पर्सन को जिससे आपको लगता है इफेक्ट होंगे उनको नोटिस देना है, वो अपने 30 दिन में रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद आपको 9/10 शेयर्स का अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी है आरओसी को कि ये मर्जर होने के बाद भी हम सॉल्वेंट है। कितने का अप्रूवल है, देखो शेयर होल्डर कितना है, 9/10 इन शेयर। और चौथा स्टेप आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है मेजोरिटी प्लस में 9/10 इन वैल्यू। शेयर होल्डर के केस में सिर्फ 9/10 ऑफ शेयर था, बट क्रेडिटर के केस में कितना, मेजोरिटी प्लस 9/10 इन वैल्यू। आई गेस यहां तक डन हो गया, यस और नो, यहां तक डन हो गया, पहले मुझे बताओ सीधा 9 रिप्रेजेंटिंग है 9/10 इन वैल्यू इक्वल टू मोर देन, यहां तक ठीक है। आगे चले, अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल यहां तक सब डन है, अब आओ मेरे बच्चे, बिल्कुल। अब आपने क्या किया, अब आपने ये सब करने के बाद स्कीम दो लोगों को फॉरवर्ड कर दी, एक तो रजे आरओसी को फॉरवर्ड कर दी और दूसरा किसको फॉरवर्ड कर दी, सीजी को। एक तो आरओसी को फॉरवर्ड कर दी और दूसरा किसको कर दी, सीजी को फॉरवर्ड। यहां तक डन। अब सीजी 30 डेज तक चुपचाप बैठेगा, आरओसी चाहे तो 30 डेज के अंदर सीजी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, डन। अब अगर 30 डेज में मान लो रिप्रेजेंटेशन आ गई तो सीजी उन रिप्रेजेंटेशन को देखेगा, नहीं आए तो सीजी ये देखेगा क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो स्कीम को रजे क्या कर देगा, अप्रूव, स्कीम को क्या कर देगा, अप्रूव। बट अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, अगर ये क्या रजे पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो क्या कर देगा वो, ये मैटर एनसीएलटी को भेज देगा और वो बोलेगा एनसीएलटी 233 में तो ये नहीं हो सकता, तू चाहे तो 230 या 232 में ये कर दे, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ डाउट्स बोलो अब। मैम अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर किसका मतलब, किसका रजे, किसका मतलब बताओ, बताओ बताओ फटाफट से बताओ बताओ, बिल्कुल क्रक्स में करा रही हूं, बिल्कुल क्रक्स, सो दैट पेपर में आ जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े, पेपर में आ जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े। ध्यान से देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लॉ मेकर दो चार सेक्शंस हो गए, 230, 231, 232, 233, 233 हुआ ना, हाँ 233। अब लॉ मेकर कह रहे 230 में प्रोसीजर है, 231 में ये लिखा हुआ है कि भाई आपको एनसीएलटी ने अप्रूवल दिया ना तो एनसीएलटी फोर्स भी कर सकता है। 232 में क्या लिखा हुआ है, 232 में लिखा हुआ है कि अगर मर्जर एंड अमलगमेशन है तो नोटिस के साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जाएंगी और एनसीएलटी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पास करेगा। 233 में लिखा हुआ है कि आपको 230 और 32 फॉलो नहीं करना, आप मेरे वाला प्रोसीजर भी फॉलो कर लो तो भी चलेगा। अब मेरे बच्चे वो चार स्टेप्स थे, चार स्टेप्स याद है, सबसे पहला क्या था, आप आरओसी को भेजोगे 30 दिन में आएगा, फिर मेंबर्स की अप्रूवल लोगे 90%, उसके बाद मेरे बच्चे आप सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन फाइल करोगे, क्रेडिटर्स की अप्रूवल लोगे मेजॉरिटी प्लस 90%, उसके बाद आप वो चीज किसको भेजोगे, दो लोगों को, आरओसी को भी और सीजी को भी। सीजी 30 दिन तक चुप बैठेगा, आरओसी के कमेंट्स का वेट करेगा, आरओसी कमेंट्स भेज देता तो वैलिड गुड नहीं भेजता, तो सीजी देखेगा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो अप्रूव कर देगा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो किसको फॉरवर्ड कर देगा, एनसीएलटी की, एनसीएलटी 235 में तो नहीं हो सकता, 232 में करा ले, किसमें करा ले, 232 में। आई गेस यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। पहले मुझे बताओ क्या यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक मेरे बच्चे आप लोग कोई जेन्युइन दिक्कत, ऑब्जेक्शन का नहीं कि हां कर दो स्कीम अप्रूव कर दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 90/90% ऑफ मेजोरिटी इक्वल टू मोर देन। आई गेस यहां तक डन, आगे चले, यहां तक डन, आगे चले। सेक्शन 234 किसके है रजे, 234 है मर्जर और अमलगमेशन विद फॉरेन कंपनी। मतलब एक कंपनी का मर्जर हो रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से, कंपनी का किससे मर्जर हो रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया से, उस केस में वो कह रहे 230 लगेगा, 232 लगेगा, पर साथ ही साथ क्या होगा मेरे बच्चे, आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, किसकी अप्रूवल लगेगी, आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, और साथ ही में हमें मैनर ऑफ पेमेंट भी क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई, मैनर ऑफ पेमेंट भी करना पड़ेगा स्पेसिफाई। मतलब मैम आप देखो तो इसमें सिर्फ अभी तक हमें दो ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, 100, 230,
ठीक है, जो नॉर्मली मर्जर अमलगमेशन और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हर एक पे लगेगा, और एक 235 जो मेरे बच्चे अगर स्मॉल कंपनी हो रही है तो उस पे लगेगा, या फिर अगर कंपनी वॉल्यूम सब्सिडरी हो रही है तो उस पे लगेगा। मतलब अगर हम ये दो सेक्शन याद कर ले तो हम यहां तक पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। और अगर कंपनी जिसका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के साथ मर्जर हो रहा है तो कह रहा है हर चीज सेम है, बस आरबीआई का अप्रूवल और मेथड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? मेथड ऑफ पेमेंट क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहां तक डन है? यहां तक डन है? आइए आइए। तो मतलब क्या है मेरे बच्चे, अगर मैं इसमें लिखूं, देखो दो केस है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लिख लो, नोट्स बनवा रही हूं, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मे मर्ज विद अ कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्या है? देखो ध्यान से, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड उसके बाद स्कीम ऑफ पेमेंट मस्ट प्रोवाइड। मतलब आप कैसे कंपनसेट करोगे, कौन सा मोड है पेमेंट का, ये भी लिखा होना चाहिए। दैट्स इट। 230, 231, 233, 234, चार सेक्शंस डन। बता दो क्या यहां तक डन? आगे चले 235 में चले, 235 में, 235 में चले। हां जी बताओ, चले 235 में। आपने सुना होगा होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या होता है? होस्टाइल टेक ओवर का मतलब जैसे वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो का हुआ था। आइए बच्चे, गवर्नमेंट कंपनीज का मर्जर कहां से बात आ गई? ये वो कंपनी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है। इधर देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से। लॉ मेकर क्या बोल रहा है? लॉ मेकर बोल रहा है होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारी कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए। बचे कितने हैं? 10। तो वो 10 भी मैं खरीद सकती हूँ। लॉ मेकर कह रहा है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी, ध्यान से सुनो, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए, तो भाई बच्चे की 10% भी खरीद ले, व्हाट्स अ बिग डील? बच्चे 10% भी खरीद ले। समझ आया क्या कहना चाह रही हूं मैं? ये समझा मैं क्या कहना चाह रही हूं? ध्यान से देखो, स्कीम ऑफ पेमेंट रजे, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस तरीके से होगी, कैसे होगी, राइट? ठीक है लतिका, हां जी, यहां तक डन है। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, तुमने कंपनी के 90% खरीद लिए, उसके 10% भी खरीद लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आओ ध्यान से देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और इसकी हेडिंग क्या। आ जाओ सेक्शन 235। मैं स्पीड से चल रही हूं बिकॉज रीजन है इसका, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। जितना मैं करा रही हूं वो मोर देन इनफ है। अगर एग्जाम में लिख कर आओगे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे और स्ट्रेट क्वेश्चंस आते, मतलब बहुत घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो लाइक हमें श्योर भी नहीं होता कि आएगा नहीं आएगा, बट ऑन अ सेफर साइड हम करके चलते हैं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आएगा। और क्लास एक्शन सूट्स भी करा दूंगी तो वो प्रॉपर आपका रीऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ ध्यान से, सेक्शन 235 किसका है? पावर। आ जाओ, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। लॉ मेकर क्या बोल रहा है? लॉ मेकर ये बोल रहा है कि भाई देख, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट थी, 90% शेयर एग्री हुए, 10 नहीं हुए, उन 10 के शेयर भी लेने की पावर तू रखता है, दैट इज 235। पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कि जो शेयर डिसेंटिंग है ना भाई, तू उनकी भी लेने की पावर रखता है। समझ आ गया, येस और नो? मान लो देखो, दो कंपनी होती है, एक होता ट्रांसफरर कंपनी, एक होता ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रही है अपने शेयर, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मतलब अगर मैं तुम्हारे शेयर ले रही हूं तो मैं कौन हूं? ट्रांसफरी कंपनी। मैं कौन हूं? ट्रांसफरी कंपनी। वो कह रहे दो कंपनी है, ध्यान से देखो, दो कंपनी है, एक है ट्रांसफरी कंपनी
और एक है ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। अब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को बोलती है भाई मेरे को अपने शेयर दे दे, मेरे को क्या कर दे अपने शेयर। वो इसको देती है क्या मेरे बच्चे, ऑफर टू एक्वायर शेयर, ऑफर टू एक्वायर शेयर। ये ऑफर बेसिकली 4 मंथ्स का होता है, कितने मंथ्स का होता है राजी, 4 मंथ्स का, कितने मंथ्स का होता है 4 मंथ, भाई 4 महीने में अपने शेयर दे दे मुझे। अब अगर ट्रांसफर कंपनी ने 4 महीने के अंदर 90% शेयर दे दिए तो 10% वो एक्वायर कर सकती है, क्या कर सकती है 10% वो क्या कर सकती है राजे, एक्वायर कर सकती है कि यहां तक ठीक है, यस और नो। मतलब अब इस केस में क्या आएगा, ध्यान से देखो, दिस स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 9/10 ऑफ वैल्यू इन 4 मंथ। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफरी कंपनी मे विद इन टू मंथ आफ्टर 4 मंथ गिव नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स दैट इट डिजायर्स टू एक्वायर द शेयर्स। ध्यान से, मतलब आपको ट्रांसफरी कंपनी ने आपको बोला ट्रांसफर को यार दे 4 महीने है तेरे पास मेरे को शेयर दे दे। अब अगर उन 4 महीनों में आपने 90% शेयर दे दिए, अगर उन 4 महीनों में आपने 90% दे दिए तो 4 महीने के अगले जो 2 महीने हैं उन 2 महीनों में वो बाकी 10% को भी नोटिस दे सकती है कि हे 10% तू भी ला इधर। बताओ क्लियर, यस और नो, क्या यहां तक क्लियर है बच्चे, क्या यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, वो नोटिस जो देगी बच्चे वो डिसेंटिंग को भी देगी और एनसीएलटी को भी देगी कि एनसीएलटी मैं अप्लाई करना चाहती हूं, मतलब इनके शेयर लेना चाहती हूं। अगर डिसेंटिंग को कोई भी दिक्कत है, तो डिसेंटिंग किसको अप्लाई कर देगा, एनसीएलटी को। किसको अप्लाई कर देगा राजी, एनसीएलटी को, विद इन वन मंथ फ्रॉम सच नोटिस। अगर एनसीएलटी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लेती है तो आप 10% एक्वायर कर लेना, आप क्या कर लेना 10% एक्वायर कर लेना। क्या यहां तक डन है, क्या 235 क्लियर है, यस और नो, क्या बताओ 235 क्लियर है, क्या 235 में कोई भी दिक्कत, हां जी 235 में कोई भी दिक्कत, नोटिस डिसेंटिंग शेयर होल्डर को भी देगी और एनसीएलटी को भी देगी कि मैं इनके शेयर एक्वायर करना चाहती हूं। डिसेंटिंग को अगर कोई प्रॉब्लम है वो एनसीएलटी को अप्लाई कर देगा, उसके बाद एनसीएलटी जो ऑर्डर देगी वो फाइनल होगा। 230, 231, 232, 233, 234, 235 6 सेक्शन हो गया। मेरे को फटाफट से बता दो क्या ये 6 सेक्शन क्लियर है, जल्दी बता दो क्या ये 6 सेक्शन क्लियर है फटाफट से। हां जी डन, आगे चले 236 पे चले। ध्यान से देखो 235 और 36 में क्या फर्क है, बिल्कुल ध्यान से। 235 में मेरे पास शेयर होल्डिंग नहीं है, मैं मांग रही हूँ शेयर होल्डिंग की दे दे, और अगर 90 आ गया तो 200 और एक्वायर कर सकती हूँ। 236 क्या बोल रहे हैं, 236 में मेरे पास ऑलरेडी 90% है, 236 में मेरे पास ऑलरेडी 90% है, मैं माइनॉरिटी को ले रही हूं। ध्यान से, 235 में मैं डिसेंटिंग को ले रही थी, 236 में मैं माइनॉरिटी को ले रही हूं। अब बच्चे बोलते हैं मैम बहुत ज्यादा ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 235 का लगेगा, 236 कब लगेगा। ध्यान से, 235 कब लगेगा, 236 कब लगेगा, 235 कब लगेगा, जब मेरे पास 90% आ चुकी है और मैं डिसेंटिंग के लेना चाहती हूं। 236 कब लगेगा, जब मेरे पास पहले से 90% है, मैं माइनॉरिटी के लेना चाहती हूं। क्या क्लियर है बताओ, क्या क्लियर है, यस और नो, क्या क्लियर है। हां जी डन। अब एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, अगर एनसीएलटी को लगता है यार उनका जेन्युइन कंसर्न है तो वो देखेगा, अगर उनको लगता है ये तो ऐसे ही रो रहे हैं, इनको तो रोने की आदत है, तो वो ऑर्डर वो क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, और फिर जो आपका ट्रांसफर ही है वो उसके शेयर भी ले लेगा। दैट्स इट। चलें आगे, अब आओ सेक्शन 236 क्या है, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। किसका है, परचेज ऑफ
माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अगर आया नहीं सोनू तो ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं ना। ये लगेगा कब, जब आपके पास ऑलरेडी 90% आ गया। परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग मतलब आपके पास ऑलरेडी 90% है। आपके पास रजे क्या है, ऑलरेडी 90% है, या तो आपके पास है, या तो यू नो आपने पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, एक टर्म होती है बहुत बड़ी टर्म है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का, मतलब तू मेरा दोस्त है तू भी ले ले, अच्छा अपने फैमिली से भी ले लिया, उसके बाद यू नो कंपनी को भी बोल दिया अपनी कंपनी को कि तुम भी ले लो, हम सब ने मिलकर भी अगर 90% लिए हो उस केस में भी 10% आया क्या एक्वायर। आइए ध्यान से देखो, एन एक्वायरर, आ जाओ, एन एक्वायरर बिकमिंग होल्डर ऑफ मोर देन इक्वल टू 90% इश्यूड कैपिटल, 90% इश्यूड कैपिटल, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अलोन और अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, आप जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है, मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जो क्या है माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, उनको भी ऑफर दे सकते हो उनके शेयर्स खरीदने का, ठीक है। आओ, ऑफर टू बाय शेयर्स, बहुत बड़ी डेफिनेशन है बच्चे, मॉड्यूल 2 इनफैक्ट प्रोफेशनल में जब हम करते हैं ना तो महीनों लग जाते हैं 230 और 232 में, यहाँ तो हमने एक घंटे में 10 सेक्शंस कर लेने हैं, बट वो अलग चीज है, राइट, आपके लिए इतना बहुत है, राइट। ऑफर टू बाय शेयर्स एट अ वैल्यू डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और जो फिर इनको मनी रिसीव होगी दे हैव टू कीप इन सेप, जो इनकी मनी होगी दे हैव टू कीप इन सेपरेट बैंक अकाउंट, और वो मनी इनको पे कर देनी है विद इन 60 days, विद इन हाउ मेनी डेज, एंड टू पे विद इन 60 days, लिख लो फटाफट से, लिख लो यहां तक जल्दी 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 लिख लो। डन, हां जी, क्या यहां तक क्लियर है, बता दो क्या यहां तक क्लियर है फटाफट से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अब मैं बैठी हूं आराम से, 236 तक हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो कि मैम मेरे को ये डाउट आ रहा है, मतलब आप ये सॉल्व कर दो, बोलो, मतलब जितना मैंने कराया उसमें से, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेप्थ में तो मैं भी नहीं जा रही हूं आप लोगों के लिए, बताओ बताओ यहां तक क्लियर है, क्लियर है पक्का पक्का। अगला सेक्शन, सेक्शन 237 बहुत इंपॉर्टेंट है, एमलगामेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्या है बच्चे, एमलगामेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में एमलगामेशन हो रहा है, ओके निमिषा करती हूं, देखो 236 करती हूँ, देखो क्या हो रहा है, आपने ना कंपनी को ऑलरेडी 90% शेयर्स ले लिए हैं, या तो आपने खुद या तो आपने किसी के साथ मिलकर कंपनी के 90% शेयर ले लिए ऑलरेडी, अब जो माइनॉरिटी बची है 10%, आप उनको भी ऑफर करते हो कि यार मेरे को भी तो अपने शेयर दे दे, वो कहता है जब आप उनके शेयर लोगे, राइट, तो उनको प्राइस भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो प्राइस कौन तय करेगा, वो प्राइस तय करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और जिस दिन उन्होंने अपने शेयर दे दिए उसके 60 दिन के अंदर आपको वो प्राइस उनको पे करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 236, दैट इज सेक्शन 236, हाँ जी, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है बताओ, क्या क्लियर है, ऑब्वियसली लिस्टेड होता है तो और कहानी बढ़ जाती है ना, टेक ओवर रेगुलेशंस लग जाती है, हाँ जी, अब ठीक है, आओ 237 अमेलगामेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, 237 क्या है राजी, अमेलगामेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सीजी सुबह उठी और दो कंपनीज गोलका और मोगा मर्जर कर रही है, गोलमो बना रही है, कर सकती है बिल्कुल, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सीजी कुछ भी कर सकती है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सीजी कुछ भी कर सकती है, लिखो वेयर सीजी इज सेटिस्फाइड दैट, where CG satisfied that it is essential in public interest, it is essential in public interest, it is essential in public interest,
तो वो क्या कर सकती है, दो और मोर कंपनीज को अमेलगमेट कर सकती है, अमेलगमेट टू और मोर कंपनीज। क्या डन है यहां तक, बताओ क्या यहां तक डन है, कोई दिक्कत यहां तक? और मेरे बच्चे इस केस में वो देखेगी, वो ये भी ऑर्डर देगी कि आपकी जो ट्रांसफरर, जो आपकी ट्रांसफरर कंपनी है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स का क्या होगा, जो ट्रांसफरर कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं राइट, उसके जो मेंबर्स हैं उनका सेम इंटरेस्ट रहेगा या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट कम नहीं होगा। और अगर कोई किसी का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उसे क्या मिलेगा, प्रॉपर कंपनसिएशन मिलेगी। क्या मिलेगा? प्रॉपर कंपनसिएशन। आओ ध्यान से देखो, लिखो ऑर्डर फॉर अमेलगमेशन। इसका मतलब है मेरे बच्चे जो हमें उन्हें पैसे देने हैं, वी हैव टू कीप इट सेपरेट बैंक अकाउंट। हैप्पी, ऑर्डर फॉर अमेलगमेशन शेल कंटेन फॉलोइंग ऑर्डर्स। आई शेल कंटेन फॉलोइंग ऑर्डर्स। देखो अगर डायरेक्ट भी नहीं आएंगे ना तो ऐसे आएंगे कि आप समझ पाओ, ऐसे आएंगे कि आप समझ पाओ, ठीक है। दो ऑर्डर्स, पहला कॉन्टिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट ट्रांसफरर कंपनी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स एंड दूसरा कि मेरे बच्चे जितना भी ऑल मेंबर्स and creditors to have nearly same interest in the transferee company and if there is any difference तो उस केस में क्या होगा, कंपनसिएशन। उस केस में क्या होगा राजे, कंपनसिएशन। अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लॉ मेकर ये बोल रहा है सीजी आप चाहो तो दो कंपनीज का अमलगमेशन करा दो पब्लिक इंटरेस्ट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ऑर्डर पास करोगे उस ऑर्डर में देखोगे कि उसकी जो लिटिगेशन है उसका क्या होगा। दूसरा, जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो अब ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो रही है, उसके जितने मेंबर्स हैं, उसके जितने क्रेडिटर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ट्रांसफरी कंपनी में सेम होगा या बढ़ेगा? अगर उनका इंटरेस्ट कम होगा ना तो तू उन्हें कंपनसिएशन प्रोवाइड करेगी, तो उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी, कंपनसिएशन। क्या प्रोवाइड करेगी, कंपनसिएशन। बताओ क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? और अगर कोई भी पर्सन एग्राइव्ड है तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है विद इन 30 डेज। वो किसके पास जा सकता है, ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है विद इन 30 डेज। आओ लिखो बच्चे, पर्सन एग्राइव्ड बाय अबव ऑर्डर मेक एन अपील टू ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज रजे, विद इन 30 डेज। सिंपल, खत्म। क्या यहां तक क्लियर है, क्या 237 क्लियर है, क्या 237 क्लियर है? उसके बाद तो बहुत ही छोटे छोटे से सेक्शन बचते हैं, क्या 237 तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, फटाफट से, क्या 237 तक क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 238 क्या बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुना, बहुत ज्यादा इजी है बच्चे। मैंने सामने वाली कंपनी को ऑफर दिया कि तू अपने शेयर्स मेरे को दे दे, डन। ऑब्वियसली वो कुछ नोटिसेस इशू करेगी, कुछ सर्कुलर इशू करेगी अपने मेंबर को कि आप शेयर देना चाहते हो उस कंपनी को दे दो। तो वो जब कुछ वो नोटिस वो सर्कुलर इशू करेगी अपने मेंबर को, वो पहले आरओसी के पास जाएगा, आरओसी को उसे अप्रूव करेगी, उसके बाद वो अपने मेंबर्स को इशू करेगी। दैट्स ऑल, दैट इज सेक्शन 238 कि जब भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात आएगी तो पहले सर्कुलर किसके पास जाएगा, आरओसी के पास। पहले सर्कुलर किसके पास जाएगा राजे, आरओसी के पास। इधर देखो, इसको ऐसे बना लो, 238 239 240 238 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम
इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर, इन्वॉल्विंग व्हाट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा 239-240 लिख दो, मतलब बाद में करते हैं इसकी बात। ये क्या बोलता है मेरे बच्चे, अगर कोई भी स्कीम जिसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व है उसको पहले कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा मेरे बच्चे, उसकी ऑफर को कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आरओसी के साथ। कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा, आरओसी के साथ। देखो बच्चे ट्रांसफरी कंपनी है और ये ट्रांसफरर कंपनी को किसको ऑफर देती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर का, कि आप शेयर मेरे को ट्रांसफर कर दो, राइट। किसको ऑफर देती है, शेयर ट्रांसफर का। तो इसे सर्कुलर पहले किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा बच्चे, आरओसी के पास। किसके पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, आरओसी के पास, डन। अब बच्चे वो कह रहा है जब मर्जर हो जाएगा, जब अमलगमेशन हो जाएगा, अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी मतलब जो दूसरी कंपनी में समा गई, उसे भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करनी रखनी पड़ेंगी। कितने टाइम तक प्रिजर्व करनी पड़ेंगी कुछ नहीं बताया, बट जब उसे डिस्पोज ऑफ करने से पहले एक बार सीजी की अप्रूवल जरूर लेनी पड़ेगी, डन। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्व करेगी कितने टाइम तक ये नहीं बताया, बट डिस्पोज ऑफ करने से पहले, डिस्पोज ऑफ करने से पहले सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट्स इट। आइए, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी शैल नॉट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट अप्रूवल ऑफ सी जी, विदाउट अप्रूवल ऑफ सी जी, दैट्स ऑल, दैट्स इट, दैट्स इट अबाउट 239। 240 वो कह रहा है अगर मान लो आपका ऑफिसर है, आपका एम्प्लॉय है, उसकी मर्जर से पहले कोई लाइबिलिटी थी, अमलगमेशन से पहले कोई लाइबिलिटी थी, तो अमलगमेशन के बाद भी उसकी लाइबिलिटी सेम रहेगी। लिखो लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर एंड अमलगमेशन, डन। हां जी बताओ कि यहां तक हो गया, जो पहले थी वो भी सिमिलर रहेंगी, जो पहले थी वो भी सिमिलर रहेंगी। बच्चे जो 238 है ना वो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू 235 है, कि जब ऐसा कोई हॉस्टाइल टेक ओवर हो रहा है उसके केस में, इट इज नॉट सिंपली कि एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर कर रहा है। हाँ जी क्या यहां तक डन है, एक बार 10 सेक्शन रिवाइज कर लें, एक बार 10 के 10 सेक्शन रिवाइज कर लें, जल्दी जल्दी बोलो, हो जाए, जोश हाई रहना चाहिए जोश। देखो 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, 31 एनसीएलटी देख सकता है भाई, एनसीएलटी सब कुछ इंश्योर कर सकता है, 231 हो गया, 232 अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का है तो क्या होगा, 233 सर्टेन कंपनी, 234 किसके, 234 किसके, 234 मेरे माइंड से भी निकल गया, फॉरेन कंपनी, 235 होस्टाइल टेक ओवर, 236 माइनॉरिटी से ले रहे हो, 237 आरओसी के पास रजिस्टर्ड होगा, यही है ना, 237 आरओसी के पास नहीं, 237 जब सीजी पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर आएगी, 238 आरओसी के पास जाएगा, 239 कौन सा है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड 240 कौन सा है मेरे बच्चे, आपकी जो पहले लाइबिलिटी थी वही अब रहेंगी। क्या डन हो गया, क्या डन हो गया, एक बार लिख ले आ जाओ, देखो एक बार देखते, 230 स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, 231 एनसीएलटी फोर्स ही कर सकती है आपके कामों को, 232 अगर मर्जर एंड अमलगमेशन का केस है तो क्या होगा, 233 सर्टेन कंपनीज के केस में क्या है तो क्या होगा, 234 आपका मर्जर हो रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के साथ तो क्या होगा, 235 आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर से कैसे लोगे,
236, आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर से कैसे लोगे? 237, सीजी पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकती है। 238, ट्रांसफर का है तो पहले आरओसी के पास रजिस्टर्ड कराना है। 239 या 239 निकल गया मेरे माइंड से, 240 क्या है? लायबिलिटी। हाँ, 239 है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अमलगामेटेड कंपनी। मेरे को बताओ कि कॉन्फिडेंस आया, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अब मर्जर अमलगामेशन का क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे? क्या थोड़ा सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कह रही हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, यस और नो? हाँ आया ना? जल्दी जल्दी फटाफट से यार, जोश लो नहीं रहना चाहिए यार। जल्दी बता दो, हाँ जी जल्दी बता दो फटाफट से। कॉन्फिडेंस आया ही नहीं सोनू, बिल्कुल भी नहीं आया, नालायक। चलो ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो तो आज इतना ही करते हैं मेरे बच्चे, आज इतना ही करते हैं। बाकी कल सुबह विल मतलब कंटिन्यू विद क्लास एक्शन सूट्स, एंड जो आपका सुपर 30 है उसकी लास्ट रिवीजन होगी कल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे बच्चे, बाकी विल मीट टुमारो एंड प्रॉपर जोश प्रॉपर एनर्जी के साथ। ओके मेरे बच्चे, बाय, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड बच्चे, बाय। ओके मेरे बच्चे।